राम राम सभी भैया को आपका फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो भाई आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ कार फॉर सेल सिम्युलेटर। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मेरा शोरूम फिर से खाली खाली पर, लेकिन एक सेकंड भाई मेरे को एक बार ये बताओ मैं इस बंदे का क्या करूँ, इसको मैंने क्यों काम पे लगाया और ये इसने काजल क्यों लगा रखी है भाई, बताओ मैं इस बंदे का करूँ क्या। एक सेकंड मेरे को ये देखने दो, इसने कार साफ करी या फिर नहीं। कार तो इसने दोनों ही साफ कर दी है, मुझे ये बताओ इसने कार तो साफ कर दी, ये कचरा कौन साफ करेगा भाई, कौन साफ करने आएगा, यहाँ कोई और बुलाऊं क्या, किसी और को साफ करने के लिए। भाई अलग ही बंदा यार, मेरे को ये कूड़ा डालना पड़ेगा यार, बताओ इसकी सैलरी भी नहीं काट सकता यार मैं, गेम में कुछ ऑप्शन ही नहीं ऐसा कुछ करने का, पैसा वैसा काट दो बंदे का जो। छोड़ो भाई यहाँ पर अपनी फरारी यार बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, मैजडा X7 तो मैंने साफ कर दी थी, नहीं यार ये भी गंदी है, ये भी गंदी हो रखी है, पर लेकिन फरारी कुछ ज्यादा ही गंदी हो रखी है यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी से मैं साफ कर देता हूँ। आज कार मार्केट भी ओपन है तो भाई कार मार्केट में चलेंगे, वहां से कुछ गाड़ियां खरीद के लाएंगे। यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी भी है मेरे पास, इसे भी मैं साफ कर देता हूँ जल्दी से, फिर इसमें मॉडिफाई वगैरह करा के फिर इसको मैं शोरूम पे लगा दूंगा। अपनी फरारी को लेके चलता हूँ कार मार्केट में, वहां से 2-3 सुपर कारें ले आऊंगा जाके भाई, जल्दी चलता हूँ। और भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार हमें जल्दी से जल्दी 5K की फैमिली कंप्लीट करनी है यार अपने चैनल पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर देना जल्दी से। यहाँ पर मेरे को दिखाई दिया एक ओडी R8 और यहाँ पर और कोई से भी कार नहीं है, तो इसे ही बाय कर लेता हूँ फिलहाल में। देखो कितने लगाने वाली हो भाई, $520,000, $410,000 में से ऑफर कर रहा हूँ भाई, देखता हूँ ये इतने में देगी आप फिर नहीं। नहीं मना कर रही है यार ये तो, $415,000 में प्लीज यार नहीं दे रही भाई, $420,000 बोल रहा हूँ, इसके आगे मैं एक रुपया भी नहीं बढ़ाने वाला, सच्ची में बता रहा हूँ। फिर भाई मैं जाने वाला हूँ घर पे अपने, काम वाम तो वैसे भी मुझे कुछ नहीं है, ठीक है भाई दे दी, थैंक यू सो मच। बंदे घबरा जाते हैं जब मना करते हैं ना कि नहीं मैं नहीं खरीद रहा, बंदे घबरा जाते हैं, ले जा भाई तू। तो यहाँ पर अब जल्दी से चलता हूँ भाई ऑफिस में, भाई उसमें पेंट वेंट कराता हूँ जल्दी से चल के, मॉडिफाई वगैरह करा के फिर उसको जो है सेल करेंगे यार। और भाई फिर से बोल रहा हूँ भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देख रहे हो यार, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो यार, प्लीज कर लो भाई प्लीज। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस में, अभी फिलहाल मैं अपनी फरारी को जो है यहीं पर लगा देता हूँ मैजडा X7 के पास में, और अभी लैम्बोर्गिनी को लेकर चलता हूँ पहले, इसमें मॉडिफिकेशन करा के फिर इसको जल्दी से शोरूम पे लगा दूंगा। तो जल्दी से कराता हूँ भाई इसमें मॉडिफिकेशन, तो भाई देखता हूँ इसमें क्या क्या लगने वाला है। रेसिंग किट लगवा लेता हूँ, टर्बो नोस सस्पेंशन इसके थोड़े से बढ़ा देता हूँ भाई, बिल्कुल टायर से चिपक रखे हैं तो यहाँ पर ये इतने सही रहेंगे ना, इतने सही है, तो मैंने यहाँ पर करवा लिया अपग्रेड। अब जल्दी से चल के इसमें पेंट कराता हूँ भाई, चलो जल्दी से चलता हूँ और कराता हूँ पेंट। अब यार यहाँ पर कोई और बंदा पेंट करा रहा है, चला गया भाई। अब जल्दी से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी पे जो है पेंट करा लेता हूँ भाई, भाई इस पे मैं कराने वाला हूँ ग्रीन कलर, दिखाता हूँ भाई कौन से वाला ग्रीन कलर मैं कराने वाला हूँ यहाँ पे। ये वाला नहीं है यार, वो रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को इधर ले जाना पड़ेगा। ये हो चुका है डन भाई, ये वाले की बात कर रहा था मैं, ये कार तैयार हो चुकी है अपनी भाई। अब इसका पेंट देखना, देखो भाई क्या ही मस्त पेंट लग रहा है, गाड़ी में यार अलग ही लुक आ जाता है ऐसे पेंट से, एकदम लाइट पेंट हो। अभी भाई मैं बता देता हूँ, मैं जा कर रहा हूँ ड्रैग रेस देखने के लिए जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ पर कौन कौन सी कारें यहाँ पर रेस लगाने के लिए आ रखी हैं भाई। ये क्या है, एक ही कार खड़ी हुई है यहाँ पे आई, तो चलो यहाँ पर रेस के लिए तो कुछ आ नहीं रखा, तो मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ शोरूम में ले जाकर खड़ी कर देता हूँ ये वाली लैम्बोर्गिनी को। जल्दी से जाके मैं इसको लगा देता हूँ शोरूम में। ओए ठुकियो मत भाई, क्या ड्रिफ्ट मार रही है भाई ये, देखो ना कहाँ से ड्रिफ्ट होती हुई आई है। तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर रेड वाली मस्टैंग के साइड में, यहाँ पर डन भाई ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से ये वाली कार को लेकर चलता हूँ ओडी R8 को भाई, मॉडिफाई कराता हूँ जल्दी से, इसमें क्या क्या लगने वाला है देखता हूँ जल्दी से जाके। अब यार ज्यादा आगे चली गई शायद, नहीं वो भी सही। तो रेसिंग किट लगा दो सर इसमें, टर्बो लगा दो, सस्पेंशन एकदम सही हो रखे हैं इसके, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं कराना। इसमें पेंट देखता भाई कौन सा अच्छा लगने वाला है, यहाँ पर मैं इसमें पेंट कराने वाला हूँ, इसमें मैं कराता हूँ भाई ये सियान कलर ठीक है, इसमें मैं ये वाला कलर करा देता हूँ, मेटालिक बढ़ा देता हूँ थोड़ा ठीक है भाई। ये हो चुकी है तैयार, अभी से भी जल्दी से शोरूम में लगा के आता हूँ भाई इसको, तो भाई गेट से ले जाऊंगा मैं, चली आएगी ना देखता हूँ, हाँ आ जाएगी। तो इसको मैं लगाता हूँ भाई इधर लैम्बोर्गिनी के साइड में, या फिर इधर लगा देता हूँ इसको, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ही मैंने लगा दी है। अब भाई क्या करता हूँ जल्दी से इन चारों कारों को सबसे पहले तो सेल पर लगाता हूँ, सबसे पहले ओडी R8 को लगाता हूँ, ये मैंने $420,000 में खरीदी थी भाई, इसका प्राइस मैं लगाने वाला हूँ $910,000 ठीक है, ये मैंने लगा दी है। लैम्बोर्गिनी मैंने खरीदी थी $490,000 में भाई, इसको मैं सेल करने वाला हूँ $820,000 में,
ठीक है, 8,20,000 डॉलर मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब भाई मस्टैंग मेरे पास दो दो खड़ी हुई है, तो जल्दी से मस्टैंग को भी सेल पर लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने 39,000 डॉलर में खरीदी थी, इसको मैं सेल करने वाला हूँ 70,000 डॉलर में भाई। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने लगा दिए हैं। एक और मस्टैंग है, ये भी 70,000 डॉलर में ही सेल होने वाली है। वैसे ये वाली मस्टैंग मैंने ड्रैग रेस से जीती थी, पर फिर भी भाई प्राइस तो इसका 70,000 ही होने वाला है। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है और रात हो चुकी है तो जल्दी से सोने के लिए चलता हूँ। फिर सुबह आकर देखते भाई, अगर ऑक्शन ओपन होगा तो भाई ऑक्शन में चलेंगे, क्या पता कार ऑक्शन में कोई रेयर कार मिल जाए, क्या पता। अब मेरा इतना अच्छा लक तो रहता नहीं है भाई, पहला ही ऑक्शन हो और भाई उसमें निकल जाए रेयर कार, तो देखते हैं क्या होगा। तो आज फिर से कार मार्केट ही ओपन है। मैं काम करता हूँ भाई, एक और बार सो रहा हूँ मैं, डे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे को चाहिए ऑक्शन यार, रेयर कार मिलती नहीं है मेरे को, मैं बहुत ढूंढता हूँ, बहुत ही ज्यादा ढूंढता हूँ यार। ये देखो आज 11 बजे का ऑप्शन है, देखता हूँ क्या मिलेगा इसमें। तुम्हें क्या लगता है, मिल जाएगी? तुम्हें लगता होगा भाई मिल जाएगी, लगता होगा, मुझे भी लगता है कभी कभी, पर मिलती नहीं है। देखो भाई ये क्या करूँ भाई इस बंदे का, मैं इसे ओपन करूँ जब साफ करेगा क्या भाई, इतना कबाड़ पड़ा है यहाँ पे, ये बंदा साफ ही नहीं कर रहा है भाई। कर ले, गाड़ियां भी गंदी लग रही है मेरे को तो अभी भाई, गाड़ियां तक साफ नहीं करी है इसने बंदे ने यार, क्या करूं भाई। भाई से मेरे को बाहर निकालना भाई, काम से कुछ काम नहीं करता भाई। ऑक्शन 11 बजे का है तो जल्दी से देख के आता हूं भाई वहां पर कौन कौन सी कारें आ रखी हैं। अगर यहां पर कोई रेयर कार नहीं मिली तो फिर मैं जाने वाला हूं सीधे ही ड्रैग रेस करने के लिए। अबे भाई रुक जा, कितनी स्पीड में जाती है यार ये फरारी। यहां पर ये BMW है, नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए, अगली भी कोई खटा रही है, ये भी नहीं चाहिए। ये भाई क्यों, ये मुझे बताओ ये क्यों है यहाँ पे, ये वाली कारें यार मिलती नहीं है रेयर कार, पता नहीं कब मिलेगी। अब मैं जल्दी से चलता हूँ भाई ड्रैग रेस देखने के लिए, वहाँ पर कौन कौन सी कारें आ रखी है रेस लगाने के लिए। अगर फरारी आ गई, फरारी F XX तो मजा आ जाएगा, पर मुझे पता नहीं आएगी। पता है भाई ये BMW है भाई, BMW से रेस करेंगे चलो, क्योंकि अगर मैं इससे जीतता हूँ या फिर हारता हूँ तो भाई जो दूसरा ट्रक खड़ा है ना भाई, उसकी जगह कोई सुपर कार भी आ सकती है, क्या पता ODR8 आ जाए, Lamborghini आ जाए। अगर ODR8 आई तो भाई मैं ना करने का भूल से भी रेस, मैं सच्ची बता रहा हूँ, फिर मैं ना करूँ भाई भूल से भी रेस, क्योंकि कुछ नहीं आता भाई, कुछ हाथ नहीं लगता ODR8 से रेस करने के बाद, भाई हार ही जाते हैं कन्फर्म। तो यहाँ पर कुछ सिनेमैटिक शॉट चलते हुए, ये सिनेमैटिक शॉट यार लेते रह करो यार बाद में, ये तो रेस के बाद भी हो जाएंगे। तो देख तो कौन जीतने वाला है, तुम्हें क्या लगता है? मैं हार जाऊंगा इससे भाई, जीत जाऊंगा, क्या रेस होगी इसकी तुम ही बताओ, क्या स्पीड होगी। चलो भाई चलते हैं, लगाया मैंने बूस्ट, आ जा भाई आ जा, क्या हो गया, क्या हो गया ये, मैं तो जीत गया, मैंने रेस छोड़ दी भाई, मैंने रेस छोड़ दिया है, देखता हूँ। लो भाई मैंने आधे रास्ते पे रेस छोड़ दी थी भाई, एक्सीलेटर दबाना बंद कर दिया था मैंने, फिर भी जीत गया मैं। अब देखता हूँ वहां पर रेस करने के लिए कौन सी कार होगी, मस्टैंग आ जाए यार, मस्टैंग या Lamborghini आ जाए तो मजा आ जाएगा, देखता हूँ भाई कौन सी आने वाली है। यहाँ पर अबे यार इसी कार से तो रेस जीता हूँ भाई मैं, घर चलो भाई, कुछ फायदा नहीं है आने का कुछ भी। अभी मैं क्या करता हूँ अपने ऑफिस में जाके भाई कारों को सेल करता हूँ, कुछ तो प्रॉफिट होगा यार अपना, तो पहले प्रॉफिट करते हैं फिर उसके बाद देखेंगे रेस पेस। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं, चलो भाई ये आज तो काम कर रहा है कम से कम। अबे हेलो, और भी तो कार है, अच्छा ऊपर Mazda RX-7 को जो है ये साफ करने के लिए जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं मैं साफ कर देता हूँ, नई वाली कार साफ करिए बस, मैं इसको साफ कर देता हूँ। भाई मैंने सारी गाड़ियों को जो है अच्छे से साफ कर दिया है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऑफिस को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर अब कस्टमर जो है आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भाई जब तक यहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं ना भाई, मेरे को अपना अनपेड बिल पे करना पड़ेगा, तो जल्दी से बिल पर जाता हूँ। और यहाँ पर $20,000 का बिल है, कोई बात नहीं यार ये तो चलता है, बहुत कम बिल आया था इस बार तो, वैसे तो भाई मेरा लाखों लाखों को जाता भाई, 2-3 लाख आ जाता कभी कभी तो। यहाँ पर ये कस्टमर ODR8 लेने के लिए आया भाई, बच्चा है भाई, तो क्या ही प्राइस लगाएगा भाई ये बंदा, क्या प्राइस लगाएगा बताओ, ये देखना इसे भगाना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं देखना भाई तुम, ये भगेगा यहाँ से बस। 6,37,000 डॉलर बोल रहा है ये बंदा, मैंने लगा रखे इसके प्राइस 9,10,000 डॉलर। यार ये क्यों आते हैं ये लोग, 7,40,000 दे, नहीं 7,50,000 बोलूंगा पहले, अगर नहीं ले जाएगा तो फिर 7,40,000 में कन्फर्म ले जाएगा, इतना मुझे पता है। देखता हूँ भाई 7,50,000 में लेके जाएगा या फिर नहीं, नहीं ले जा रहा, 7,45,000 डॉलर। भाई कस्टमर तो आ गए, अगर ये नहीं लेके गया ना तो फिर मैं सब मना, अब ले गया यार, एक बार इनसे पूछ लेता यार, क्या पता है अच्छे प्राइस लगा देते। चलो कोई बात नहीं, अब तो जा चुकी है यहाँ पर मस्टैंग के दो दो कस्टमर, तो देखते हैं ये कितने प्राइस लगाने वाले है। 52,000 डॉलर। एक सेकंड भाई, एक बार इनसे मैं बात कर लेता। हाँ जी मैम, आप बताइए आप कितने में लेना पसंद करेंगी इस वाली कार को। ये तो 42,000 डॉलर बोल रही है, तो इसका मतलब बाहर से बाहर निकल लो तुम,
तुम्हारे बस की ना कार वार खरीदनी भाई, इतनी सस्ती कार को भी बताओ यार इनके बस की नहीं है कार खरीदना। ये $52,000 बोल रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ $61,000 दे दो ये कार आपकी, देखता हूँ भाई 61 में लेके जाएगी या फिर नहीं। थैंक यू सो मच, ले गई यार। यहाँ पर दो कारें बच चुकी है बस मेरे पास, एक आंटी जी सॉरी अम्मा जी आई है, ये लैम्बोर्गिनी खरीदना है भाई साहब। क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर ये लैम्बोर्गिनी को खरीद के जा पाएंगी या फिर नहीं? प्राइस तो अच्छे लगाए हैं भाई, प्राइस तो इसने अच्छे लगाए हैं, $7,80,000 भाई। ठीक है, देखता हूँ लेके जाएगी या फिर नहीं। वैसे ले जाएगी यार 7,80,000 में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक मस्टैंग बची है बस अपने पास, कस्टमर आने देते हैं कोई। तो यहाँ पर मस्टैंग का भी एक कस्टमर आ चुका है भाई, ये तो सिकल से देखने में गरीब लग रहा है। देख तो भाई कितने प्राइस लगाने वाला है, मैंने 70,000 लगा रखे, $52,000 बोल रहा है। वैसे भी ये कार मेरे को फ्री में पड़ी थी, मतलब ड्रैग रेस से जीता था तो फ्री में ही मिल गई। भाई से भी $61,000 बोल रहा हूँ, क्या पता भाई ये लेकर चला जाए, क्या पता। देखता हूँ लेके जाएगा या फिर नहीं लेके जा रहा भाई, 60,000 में पूरे 60,000 बोल के देखता हूँ, क्या पता 60,000 में ले जाए यार, 60,000 में तो ले जा भाई, ले गया भाई। थैंक यू सो मच। तो बस यार आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पिक कर देना। अब मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।